टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विकासखंड ताखा जनपद इटावा के कस्बा उसराहार में देवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट उसराहार में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गरीबों असहाय लोगों को किए कंबल वितरण। देवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सामाजिक संस्था की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। उसराहार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस दौरान लोगों को कंबल बांटे गए। ठंड से ठिठुरते लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संस्था की ओर से गरीब एवं असहाय जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए। इस दौरान वहां पर मौजूद संस्थापक एवं अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह उर्फ बीपी सिंह ने कहा कि संस्था समाज की भलाई के लिए काम करती है, जिसका मकसद जरूरतमंदों की सेवा करना है। इसके लिए संस्था के सदस्यों ने ऐसे जरूरतमंद लोगों की तलाश की है जो इसके हकदार हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीपी सिंह ने कहा कि हर साल हमारी संस्था गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा करती है। उसराहार से संवाददाता गौरव शाके की रिपोर्ट। सर, जो आज आपने कंबल वितरण का जो कार्य किया है वो मतलब किस उपलक्ष्य में किया है और किन किन लोगों को आपने कंबल वितरण किए हैं? आज जो हमने कंबल वितरण किए हैं वो मैंने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दीन गरीब असहाय विधवाओं को हमने कंबल वितरण किए हैं और ये देवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैंने ये कंबल वितरण किए हैं। लगातार हमारा कार्यक्रम भी ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा सर, ये आपने हर बार कंबल वितरण आप करते हैं मकर संक्रांति को लेकर के, और हर गरीब लोगों को आपने अभी तक कितने कंबल वितरण किए हैं? अभी तक क्या है कि मैं हर साल तो कंबल वितरण नहीं करता हूँ, लेकिन लगातार जैसे कभी स्वास्थ्य शिविर हुआ, कई गरीबों को कोई दान फान करने का काम हुआ, कोरोना काल में जो आर्थिक सहयोग मतलब खाद्यान्न देने का कार्यक्रम हुआ, आज इस समय मौके पर क्योंकि आचार संहिता को देखते हुए कोरोना काल को देखते हुए मैंने कंबल वितरण करने का कार्य किया, तो ऐसे लगातार हमारे लभ्यांत लोगों को मैं लभ्यांत गरीब आशा को देता रहता हूँ। आज सर, आज कितने आपके कंबल वितरण हुए हैं? आज मैंने 3 दर्जन लोगों को कंबल वितरण करने का काम किया है। अच्छा सर, आप एक बार शुभ अपना शुभ नाम बता सकते हैं क्या? शुभ, मेरा नाम है ब्रजपाल सिंह उर्फ बीपी सिंह। अच्छा सर, तो आप यहाँ पे किस आपकी जो कोई फाउंडेशन है उसके नाम से आप ये संस्था चालू करते हैं? हाँ, देवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से माध्यम से मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।